हाँ जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अभी कॉटन के ड्रेसेस निकाल लिए हैं सब, क्योंकि मुंबई में हो चुकी है भयंकर वाली गर्मी। तो ये भी कॉटन के ड्रेसेस हैं सारे। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कॉटन के ही पहनती हूँ, लेकिन बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है तो पूरा कवर करने वाले ड्रेसेस मैंने पहन लिया है। देखिए ये वाला, तो ये ड्रेस पहन लिया है मैंने। ये पुराना ड्रेस है मेरा काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छा है। तो कहाँ जा रही हूँ, आगे मिलते हैं और बताते हैं कि कहाँ जा रही हूँ मैं। क्योंकि आज है संडे और जितने भी बाकी बचे काम होते हैं और वो कुछ तफरी वगैरह, तो संडे के लिए ज़रूर जाना जाना बनता है बाहर। और शाम हो चुकी है एक्चुअली, अब बजे हैं 5:30 बजे, 5:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं, निकलते हैं फिर। एज यूजल चाबी उठा लेते हैं। जैसे कि 5:30 हो गए हैं, लेकिन काफ़ी गर्म था और धूप भी थोड़ी बनी हुई थी। और मैंने ऑटो वाले के ऑटो में बहुत ही यूनिक चीज़ देखी, बहुत दिनों बाद सायरन देखा मैंने। नहीं तो बस आते टल्ली तो सायरन होते थे यही वाले को। इसको ऑल आउट से अभी बजा लेगा। हाँ वही तो, आपने कैसे लगा लिया था? आपको अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ जी, मैं ऑटो वाले से बात कर रही थी। शोर बहुत था इसलिए मैं बता देती हूँ, मैं ये भोंपू के बारे में बात कर रही हूँ। और देखिए साथ में एक झाड़ रखा हुआ तुलसी का, तो उसके बारे में बात कर रही थी कि आपको क्या क्या पसंद है। तो वो भी मुझे वही बता रहे थे कि मुझे बहुत ही लगाव है प्लांट्स से। तो देखिए जो आपकी पसंद है आपको कहीं ना कहीं वो लोग मिल जाते हैं। यहाँ उनको प्लांट भी पसंद था और ये भोंपू भी, और अचानक से मैं उनके ऑटो में आके बैठी हूँ और मुझे भी ये दोनों चीज़ें बहुत ही पसंद हैं, यानी कुदरत वाली, नेचर वाली चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और गाइस, जब से मैं मुंबई में रहती हूँ तब से मुझे ऑटो में घूमना बहुत ही पसंद है। टैक्सी और या ओला में मैं इतना नहीं इंजॉय कर पाती हूँ, ऑटो में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। बाहर का सारा कुछ दिखता है और बहुत सारी हवा भी चलती है मुंबई में, तो मुझे बहुत ही पसंद आता है ऑटो की राइड। और यहाँ भी वही इंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी इंजॉय करें यहाँ की रोड्स को। और मैं घर तक पूरा आपको आज बताने वाली हूँ, पूरा रास्ता बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलने वाली हूँ आपको। तो हाँ जी, यहाँ बातों बातों में आ गया है डीमार्ट और उतर के मैं जा रही हूँ अंदर सामान लाने के लिए। तो बाहर से भी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। तो हाँ जी, ये एंट्रेंस गेट है। कुछ भी तो यहाँ पे है बहुत रश, इसलिए मैंने लगा लिया है मास्क। तो मास्क पहन लिया है मैंने इनसाइड में जहाँ जहाँ, बाकी मुझे इतना पसंद तो नहीं है लेकिन लगा लिया है मैंने। पूरा सामान लेने के बाद और मैं निकल रही हूँ बाहर लिफ्ट से। तो मैं आज A to Z सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। हर मैंने देखा बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं कहीं भी आउटिंग में ट्रॉली में बैठ के, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है उन लोगों को। और यहाँ भी एक बेबी बैठा हुआ है ट्रॉली में और मम्मी डैडी के साथ। तो निकल गए बाहर, अभी मैं बाहर का नज़ारा देख रही हूँ सामने का, तो आप भी इंजॉय कीजिए। बाहर बहुत ही सुंदर नज़ारा है बेलापुर का। और यहाँ देखिए हमारी मुंबई में कितनी ग्रीनरी है, इतनी तो गांव में भी नहीं होती है। तो आप अभी शिकायत नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ का सारा कुछ नहीं दिखाया है। तो अभी आइसक्रीम आ रही है और आइसक्रीम इंजॉय करूँगी मैं। जब भी मैं जाती हूँ डी मार्ट तो आइसक्रीम ज़रूर खा के आती हूँ। वैसे मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ वेट हो रहा है कि कभी आइसक्रीम आए और खाई जाए। और सामान लेके एक साइड हो गई हूँ मैं।
आजकल फिर से इन्फेक्शन फैल रहा है, आईज इन्फेक्शन फैल रहा है, थ्रॉट इन्फेक्शन, इसलिए बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए अभी मैं दूर खड़े रह कर आइसक्रीम इंजॉय कर लूँगी, तो आप भी मेरे साथ आइसक्रीम इंजॉय करें। तो हाँ जी, जाते वक्त हमने कर लिया है ओला, क्योंकि ऑटो में सामान भी थोड़ा ज़्यादा है और अच्छे से शूट नहीं हो पाएगा। और मैं आपको यहाँ के सारे शोरूम पूरा लाइन से मार्केट दिखाना चाहती हूँ। रात में कितनी सुंदर लगती है मुंबई, आप ये देखें और आपको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये साइड की मार्केट आप देखें, पूरे शोरूम्स आपको दिखाई देंगे बहुत अच्छे अच्छे वाले, और ये एकदम खूबसूरत सजाए भी रहते हैं। और यहाँ पे अमित शाह जी भी आए थे, तो इसके लिए अंदर से बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, यानी कि इन साइड से, जो राइट साइड में तो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ के शोरूम देखिए, जो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत बढ़िया भी दिख रहे हैं, तो आप भी इंजॉय करें। जैसे कि डी मार्ट से आते आते हमें बहुत ही अंधेरा हो चुका है आते वक्त, तो यहाँ पे सारा सामान ला के मैंने रख दिया है किचन में, और इसको अनपैकिंग कल करूँगी। थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल दिया है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बाहर निकाल देनी चाहिए, जैसे पूजा का सामान वगैरह, तो वो मैंने निकाल दिया है, ये वही दिखा रही हूँ आपको। और बाकी का पैक रहेगा, कल सुबह मैं इनको अनपैक करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि ग्रोसरी में मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो फिर मिलते हैं कल। तो डी मार्ट से क्या क्या लाई हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं लाई हूँ वहाँ से, ग्लास। तो ग्लास का बटन बहुत प्यारा है, बहुत ही वैरायटी आई हुई है, बहुत सुंदर सुंदर। सारे ग्लास ख़त्म हो गए थे मेरे, देखिए बहुत ही प्यारे ग्लासेस हैं और बहुत प्राइस में मिल रहे हैं। यहाँ लेके आई हूँ कुछ ड्राई मसाले, चटनी वगैरह रखने के लिए, ये तो आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं। अभी ये 135 की हो गई है, चार बनी, इनको मैंने 99 में भी लिया हुआ है पहले, तो अभी इसका प्राइस हो गया 190, यानी 119। तो 119 में मिली है चार बनिया, फिर भी बहुत सही है ये, यानी कि 30 रुपए की एक पड़ती है, बहुत ही अच्छी, और ये टूटती भी। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ स्पून होल्डर, तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ, स्पेशल प्राइस है 129 रुपये, वैसे 150 प्राइस है, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, नया, उनको काफ़ी टाइम हुआ स्टील के, लेकिन वो भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे पसंद है। तो एक बर्नी ये ऐसी आई हुई है, तो मैंने कहा पहले ले कर देखती हूँ। तो ये बर्नी है 59 की, बहुत ही प्यारी है, देखिए इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, चटनी वगैरह, आप छुंदा रख सकते हैं। तो वैसे प्राइस था इसका 70, अभी 59 में, और इसमें कम से कम 250 ग्राम कोई भी चीज़ आ सकती है। और हाँ जी, सबसे बढ़िया वाली चीज़ लेके आई हूँ, ये एकदम बहुत ही अच्छी वाली कढ़ाई ही है, इसमें ये सर्विस वाली कढ़ाई है, 240 प्राइस लिखा है, 199 में मिली है मुझे। तो देख लीजिए, ये सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छी कढ़ाई है, मुझे बहुत प्यारी लगी है, तो इसको लेके आई हूँ मैं, ये देखिए प्राइस। देखिए मैं बहुत सारे बर्तन उठा के लाती हूँ, तो हाँ मुझे बर्तन बहुत ही पसंद है। और एक मैं लाई हूँ ट्रे, 110 की है, स्पेशल प्राइस है 99, यानी 100 की मिली है मुझे, साइज भी बहुत अच्छा है और ब्लैक कलर का आजकल फैशन। वो है ये डोसा तवा, तो मेरा जो तवा था पहले वो मुझे ऑफर में, मतलब किसी के साथ मिला था, इतना बढ़िया नहीं था, कभी कभी यूज़ किया, वो सारा ख़राब हो चुका है। तो मैं आप अभी लेके आई हूँ कृष्णा का तवा, ये देखिए तवा बहुत ही अच्छा है, बढ़िया नॉनस्टिक कुकवेयर, तो गारंटी भी है इसकी 12 महीने की, ये देखिए वारंटी भी है इसमें। और इसका प्राइस पता नहीं,
प्राइस तो मेंशन नहीं है इस पे, प्राइस 450 लिखा है, लेकिन इसमें डिस्काउंट तो दिया होगा। और ये थोड़ा वेट वजन, ये सुबह का टाइम है तो साफ सफाई होने से पहले थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी में सब खोल के डाल देती हूँ, दालें वगैरह चीज़ों को रख देती हूँ, संभल जाएगा, फिर सफाई होगी तो साफ सफाई अच्छी दिखती है। तो अभी ये मैं दालों को कर लेती हूँ, जैसे कि इसमें अभी ये मूंग की दाल थोड़ी है, इसको यूज़ करने के बाद ही इसमें मैं नया डालूँगी, तो तब तक के लिए थी ये दाल तो मैं इधर रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तुअर की दाल, तो तुअर की दाल नहीं है तो इसको कट करके पहले डाल लेंगी। बाकी जैसे कि बहुत सारे डब्बों में दालें पड़ी हुई, उनको मैं ख़त्म करने के बाद ही डालूँगी, जो जो नहीं है वो मैं नए बॉक्सेस में डाल के और रख रही हूँ। तो पुरानी दालों के बीच में नई दालें मिक्स ना करें, क्योंकि घुन वगैरह और कीड़ा वगैरह लग सकता है। तो यहाँ साफ़ सफाई करे हुए डब्बों में नई नई चीज़ें डाल रही हूँ, और सारा कुछ डाल के आपसे मिलती हूँ फिर। तो सारी चीज़ें भरने के बाद में मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस रखे हैं, जो हमारे पार्सल वगैरह आते हैं उनको मैंने एकदम अच्छे से साइज़ वाइज सेट कर दिया है, और उसके ऊपर ये सारे डब्बे टिकाए हुए हैं लाइन से। और जो डेली यूज़ होती हैं दालें वगैरह, वो मैंने आगे की तरफ रखा है कि उसमें दिख भी सकें बहुत ही अच्छी तरह। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऐसे डब्बों का यूज़ किया है जो बहुत ही बढ़िया निकलते हैं, जैसे कि पीनट बटर का डब्बा। बाकी कांच के बर्नियों को मैंने पीछे लगा के रखा है कि अचानक से हाथ लगने से गिर ना जाए, क्योंकि कांच की बर्नी में बहुत ही देर तक सेफ़ रहती है हमारी चीज़ें। दालों में कीड़े नहीं लगते, उसमें अजीब सी स्मेल नहीं आती, चाहे वो 6 महीने पड़ी रहे। एक्चुअली वैसे तो 2 महीने से ज़्यादा राशन तो नहीं रखते हैं ज़्यादा तो घर में। तो सॉरी गाइस, पीछे से जो आवाज़ें आ रही, नीचे मेरे काम चला हुआ है जो मैंने आपको दिखाया भी है, और इनकी कंटिन्यूज़ रात तक काम चलते रहते हैं और आवाज़ें बहुत आती हैं। पूरी विंडो बंद करके और फ़ैन बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कहाँ कहाँ करना है, उसके बावजूद भी पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं, क्योंकि एकदम मेरे फ्लैट के बाजू में काम चल रहा है, और ये क्रेन की आवाज़ें हैं, सायरन की आवाज़ें बहुत सारी, जिससे तो मैं भी बहुत पागल आ चुकी हूँ। तो ये है स्टील का ड्रम जिसमें मैं बहुत सामान रखती हूँ। ये मैदा रखा हुआ, इसको निकाल देंगे। और ये मिश्री है, और एक है इमली का पैकेट, और कुछ नहीं, इसको मैंने साफ़ किया था थोड़ी देर पहले। तो इसमें जितने भी सामान बचे हुए हैं वो मैं सारे रखूँगी। जैसे ये चना है, इसको कट करके रख दूँगी। अभी मूंग की दाल नहीं खोली है तो इसको भी ऐसे रख दूँगी, और सिंग दाना भी ख़त्म होते ही बाद में डाल दूँगी। तो ये बड़े बड़े सामान मैंने ऐसे इसमें डाल दिया है, और बाकी है राजमा, और ये इस तरह ये जल्दी से मिल जाएंगे। और मेरा मसाले का जो पैकेट है उसको सौंफ उसमें रख दूँगी, अभी इसमें डाल देती हूँ। और ये राई लास्ट में रख देती हूँ, ये मैदा, क्योंकि जब भटूरे बनेंगे तो ही यूज होगा, और थोड़े दिन में ही बनने वाले हैं। हाँ जी, तो ये इस बॉक्स में मैंने देखिए भेल वगैरह लाए थे वो पड़ी हुई है, और ये मैगी पड़ी हुई है, ये बहुत कभी कभी कभार ही बनती है। तो इसमें रखा जाएगा ये पैकेट रखा जाएगा, और इसमें आएगा ये चना, ये रखा शान का, इसमें एक बिस्किट का भी पैकेट है तो वो भी रख देंगे। तो इसको कर देती हूँ बंद। तो इस तरह से सारे सामान रख देती हूँ। तो हाँ जी, ये थी मेरी ग्रॉसरी जो मैंने इस महीने की ग्रॉसरी लाई हूँ, वो आपसे शेयर की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर। और आपको कौन सा सामान पसंद आया वो भी बताएं, और डीमार्ट की शॉपिंग आप लोग करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं, और डीमार्ट में कितना रीज़नेबल मिलता है आपको वो भी ज़रूर बताएं। तो बाय बाय। फर्स्ट है, यहाँ कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, तो अभी खा लूँगी मैं, उसके बाद फिर
मिलते हैं।